विघ्नहर्ता श्री गणेशा श्री गणेशा। मुझे क्षमा कीजिए गजानन, मैं तो समझी थी मेरे मन में मेरे प्रभु श्री परम कृष्ण का वास, मेरे मन मंदिर में उन्हीं की छवि है, किंतु मेरी चंचलता के कारण मेरा मन मंदिर दूषित हो गया और ये सब मेरा दोष है, मेरा ही दोष है प्रभु। अब आपसे श्रापित हो गया, मैं प्रभु श्री परम कृष्ण के साथ से वंचित हो जाऊंगी, तो मेरे जीवन का क्या लाभ प्रभु? प्रभु आप मुझ पर कृपा कीजिए, आप मुझे कोई और धन दे दीजिए, मैं सह लूंगी, किंतु ये श्राप लौटा लीजिए आप। देवी, ना आपका श्राप लौट सकता है ना मेरा, इसलिए इस जन्म में तो आपकी यही नियति है कि आपका विवाह उसी से होगा जिसने असुर कुल में जन्म लिया होगा। नहीं प्रभु, किसी अन्य से विवाह उसकी तो कल्पना मात्र, असंख्य मृत्यु के समान है। दंड स्वरूप मैं आपको अपने जीवन की एक एक श्वास न्योछावर करती हूँ। हे परम कृपालु पार्वती नंदन गणेश, फूल स्वीकारने पर तो आप असुरों पर भी कृपा करते हैं, तो अब मुझ पर भी कृपा कीजिए प्रभु। आप तो क्षमा कर्म है, क्षमा सागर, क्षमा के धाम है, तो मुझे भी क्षमा दान दे प्रभु। मुझे अपनी भूल सुधारने का एक अवसर प्रदान करें प्रभु। मैं तो बस प्रभु श्री परम कृष्ण की अर्धांगिनी बनना चाहती हूँ। उसके लिए मुझे कितने ही जन्म क्यों ना लेने पड़े। वक्रतुंडेक गणपते वर वरद सर्व जन्म में वशमाने नमः। ओम वक्रतुंडेक गणपते वर वरद सर्व जन्म में वशमाने नमः। वक्रतुंडेक गणपते वर वरद सर्व जन्म में वशमाने नमः। देवी, अपनी भूल स्वीकार कर सच्चे मन से की गई क्षमा याचना और अपने प्रभु, अपने आराध्य के प्रति आपकी अटूट स्नेह और उनकी पत्नी बनने की आपकी प्रबल आस से मैं अत्यंत प्रभावित हूँ, किंतु तब भी अपने शाप को रोकना मेरे लिए संभव नहीं। गणेश, आपको एक नवीन तरह का भाग बनना होगा, जिसके लिए आपको परिवार से दूर वन में माँ गंगा के तट पर तप करना होगा। हाँ, एक वरदान मैं आपको अवश्य दे सकता हूँ। शीघ्र आपका जन्म एक दिव्य पौधे के रूप में होगा, जिसका नाम भी तुलसी ही होगा, जिसका नाम भी तुलसी ही होगा। वो दिव्य ऊर्जा वहां है और कोई तो है जो ध्यान मग्न भी है। इस नदी का जल तो अत्यंत शीतल है, किंतु जल की शीतलता से मैं अपने निश्चय से पलटने वाला नहीं हूं।
शंख चूर तो इस परीक्षा से भी पीछे नहीं आता। तो क्या ये भी मेरा भ्रम ही था? यहाँ तो कोई नहीं है। जिनका निश्चय दृढ़ता से भरा होता है, जो अपने लक्ष्य तक पहुँचने के लिए सभी कष्टों का सामना करने के लिए तत्पर रहते हैं, वो अपने लक्ष्य तक अवश्य पहुँचते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय नमो नमः। कौन है ये तपस्विनी जो घोर तप में लीन है? वासुदेवाय, कृष्णाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय। इनसे परिचित ना होते हुए भी ऐसा आभास क्यों हो रहा है, जैसे मैं इन्हें जानता हूँ और इनके निकट बढ़ते हुए ऐसे अद्भुत आनंद का अनुभव हो रहा है मुझे, जैसे मैं दिव्य लोक गोलोक में विचरण कर रहा हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय नमो नमः। 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 देवी, आप कौन हैं और मुझे ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है जैसे आपके साथ मेरा जन्म जन्मांतर का नाता हो? हे देवी तपस्विनी, आपसे अटूट संबंध का आभास ये मेरा भ्रम नहीं हो सकता। ये अवश्य ही मेरा भाग्य है जो मुझे आप तक खींच लाया है, और कदाचित हमारा विवाह ही हमारी नियति है और मेरी इच्छा भी। देवी, क्या आप मेरा विवाह प्रस्ताव स्वीकार करेंगी? For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.